कॉमिक एंगल है इस ट्रायंगल को, एंड ये ही खासियत है इस लव ट्रायंगल की कि इसमें एक कॉमिक एंगल है. थोड़ी ब्लैक कॉमेडी है लेकिन इट्स नाइस, फनी, लोगों को पसंद आएगी. ये जो फिल्म है ये सब उन लोगों को डेडिकेटेड है जिनकी जवानी बहुत दीवानी. के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिसाइड्स बीइंग अ थरो जेंटलमैन, बहुत अच्छे एक्टर हैं. हमारे कंफर्ट लेवल्स वेरी ग्रेट वाइल शूटिंग की, एंड आई मस्ट थैंक हिम फॉर बीइंग अ वेरी सपोर्टिव कोच. उन्होंने जब पहली बार मुझे नरेट की फिल्म तो बहुत बड़ा चढ़ा के सीन्स में तो इतनी ज़ोर की डरा दिया कि मैंने बोला भागो यहाँ से, ये क्या बना रहा है. फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा है, आराम से कामली कूलली. मैंने बोला ठीक. जैसे रोमांटिक सीन्स थे जिनको मैं सुन के थोड़ी सी घबरा गई थी कि ये पहली बार बड़े पर्दे पे किस तरीके से निभाऊंगी इन सीन्स को, कैसे करूंगी इतने लोगों की मौजूदगी में. लेकिन पूरा क्रेडिट मनु को जाता है कि उन्होंने, मनीष को जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से सबको संभाला, जो कंफर्ट लेवल थे सेट पे बहुत. ऑफ कोर्स अगेन आप मुझे स्विम सूट्स में देखेंगे, बिकिनीज में देखेंगे काफ़ी, लेकिन बहुत अलग अलग किस्म के स्विम वेयर डिज़ाइन किए गए हैं इस फिल्म के लिए स्पेशली. एंड लुक भी जो है चेंज कर दी गई है टू गिव दैट गोवन सॉर्ट ऑफ अ फील. फ्रॉम स्ट्रेट बाल, बालों को कर्ली कर दिया गया है सीन्स के लिए. एंड मेकअप में भी काफ़ी चेंजेस किए गए जस्ट टू गिव अ कैरेक्टर. लड़की ग्लैमरस है, सुंदर है, खूबसूरत है एंड एवरीथिंग, बट उसके जो थॉट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे बहुत सिंपल है. काफ़ी सिंपल चीज़ों में विश्वास करती हैं एंड बहुत ही ओवर इमोशनल बट स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिटिव. लड़कने का मौका सिर्फ 2 दिन या 3 दिन ही मिला मुझे, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है.